आपका श्रीनिवास फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब मुंगेली से अगली बड़ी खबर। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघिन को छोड़ा गया है। डीएफओ की मौजूदगी में जंगल में इस बाघिन को छोड़ा गया। घायल बाघिन अब पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। एक महीने तक इसका इलाज चला। बाघिन ने इस दौरान दो लोगों की जान ले ली थी। ग्रामीणों ने भी बाघिन को घायल किया था, ऐसी भी जानकारियां सामने आई थी। लेकिन अब ये बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ है। कॉलर आईडी लगाकर इसे अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। डीएफओ की तरफ से ही ये जानकारी साझा की गई है। सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी फिलहाल बताया जा रहा है कि बाघिन को छोड़ दिया गया अचानक मार? जी निश्चित रूप से मुंगेली जिले के अचानक मार टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई, जहाँ सूरजपुर से रेस्क्यू कर लाए गए बाघिन को अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल में आज छोड़ा गया है। मैं बता दूं कि ये वही बाघिन है जिसने सूरजपुर के उड़की के जंगल में दो लोगों की जान ली थी। वहीं ग्रामीणों के कुल्हाड़ी से ये बाघिन बुरी तरीके से घायल थी, और जिसके बाद दो दिनों के बाद कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया था। और रेस्क्यू करने के बाद बिलासपुर के कानन पिंडारी लाया गया था, जहां एक माह तक इस बाघिन का उपचार चला। और आज पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद इसे वन अधिकारियों की देखरेख में अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया है। साथ ही मैं बता दूं कि 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं इस बाघिन के छोड़े जाने पर लोगों में खुशी भी है, साथ ही जो मुंगेली कलेक्टर उन्होंने भी उम्मीद जताई कि इससे जो बाघों की संख्या को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल देखने को मिलेगी। वहीं बाघिन पर अभी वन विभाग के द्वारा निगरानी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां पर बारिश लगातार हो रही है। और ना सिर्फ कांकेर के हालात हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले भी, जहां पर मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां झमाझम बारिश हो रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तापमान में भी गिरावट आई है। गर्मी से लोगों को लगातार राहत मिल रही है। चार तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जिलों की। और हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार। पीएम मोदी ने 91 एफएम रेडियो स्टेशंस का किया वर्चुअली उद्घाटन। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को सौगात। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर में होगा सोने का आसन और दरवाजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में किया रोड शो, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। कर्नाटक के हावेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और डीएस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की बी टीम है डीएस, बोले डबल इंजन और रिवर्स गियर की सरकार के बीच चुनाव। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, बोले पुंछ हमला मामले में 200 लोगों से हो रही है पूछताछ, सुरक्षा बलों के 5 जवान हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान। कूच बिहार में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार शाइस्ता की तलाश में लखनऊ से दिल्ली तक छापेमारी, दिल्ली में वकील से संपर्क की मिली जानकारी। भोपाल के योग केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचे सीएम, लाडली बहनों से किया संवाद, हितग्राहियों से योजनाओं का भरवाया फॉर्म। 91 एफएम रेडियो स्टेशन के पीएम की सौगात पर वीडी शर्मा का बयान, मेरे संसदीय क्षेत्र पन्ना और कटनी को 2 एफएम देने के लिए पीएम का अभिनंदन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तेज प्रताप यादव के बयान पर किया पलटवार, साधु संतों पर नहीं किया जा सकता पहरा, बिहार की जनता बाबा बागेश्वर को सुनना चाहती है। बागेश्वर सरकार को लेकर तेज प्रताप के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार, कहा साधु संतों को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे इस तरीके के बयान। रतलाम में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे दिग्विजय सिंह, मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं के लिए रही बैठक, कार्यकर्ताओं से भी करें बात। भोपाल के योग केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचे सीएम, लाडली बहनों से संवाद, हितग्राहियों से योजना का भरवाया फॉर्म। 91 एफएम रेडियो स्टेशन के पीएम की सौगात पर वीडी शर्मा का बयान, मेरे संसदीय क्षेत्र पन्ना और कटनी को 2 एफएम देने के लिए पीएम का अभिनंदन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तेज प्रताप यादव के बयान पर किया पलटवार, साधु संतों पर नहीं लगाया जा सकता पहरा, बिहार की जनता बाबा बागेश्वर को सुनना चाहती है। बागेश्वर सरकार को लेकर तेज प्रताप के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार, कहा साधु संतों को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे इस तरह के बयान।
रतलाम में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे दिग्विजय सिंह, मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं के लिए रहे बैठक, कार्यकर्ताओं से कर रहे बातचीत। एमपी में अपराधियों और माफिया के खिलाफ पुलिस होगी और सख्त, सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने बनाया एक्शन प्लान, माफिया और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के मिले हैं निर्देश। भिंड नगर पालिका कार्यालय में लोकायुक्त का छापा, 55,000 की रिश्वत लेते क्लर्क अजय राजावत गिरफ्तार, नामांतरण के लिए मांगी थी 1,00,000 की घूस। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर चलने के बाद पुलिस ने स्टंटबाज को दबोचा, 3 दोस्तों के साथ बुलेट पर जानलेवा स्टंट कर रहा था आरोपी त्रिलोक। दमोह कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश, जिला मुख्यालय में संचालित 2 स्पा सेंटर पर की गई कार्रवाई। सतना में तेंदुए को पकड़ने में मिली कामयाबी, वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज किया, ले जाया जाएगा मुकुंदपुर व्हाइट सफारी। कुरूद विधानसभा को सीएम भूपेश बघेल ने दी 82 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, ग्रामीणों के घर किया भोजन, सिहावा में महानदी उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का ऐलान। बस्तर में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं देने के बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, कहा बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या। कोरिया में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त डी तिग्गा निलंबित, खरीदी घोटाला और निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप, संयुक्त कलेक्टर अंकिता सोम को मिला अतिरिक्त प्रभार। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार, पीएम मोदी ने 91 एफएम रेडियो स्टेशन का किया वर्चुअली उद्घाटन, 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को सौगात। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में होगी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर में होगा सोने का आसन और दरवाजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में किया रोड शो, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। कर्नाटक के हावेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और डीएस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की बी टीम है डीएस, बोले डबल इंजन और रिवर्स गियर की सरकार के बीच चुनाव। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, बोले पुंछ हमला मामले में 200 लोगों से हो रही है पूछताछ, सुरक्षा बलों के 5 जवान हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के विरोध में बीजेपी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार, पीएम मोदी ने 91 एफएम रेडियो स्टेशन का किया वर्चुअली उद्घाटन, 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को सौगात। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में होगी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर में होगा सोने का आसन और दरवाजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में किया रोड शो, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। कर्नाटक के हावेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और डीएस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की बी टीम है डीएस, बोले डबल इंजन और रिवर्स गियर की सरकार के बीच चुनाव। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, बोले पुंछ हमला मामले में 200 लोगों से हो रही है पूछताछ, सुरक्षा बलों के 5 जवान हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान, कूच